The company fights back. So in the last video, we discussed that how the rebellion took a very large form and how different regiments started mutiny, and also the people in the villages and towns, the landlords, zamindars, all started rebelling against the Britishers. So this is all what we studied so far. And now in this video, we are going to see that how company fights back. Because it got a little scared because of the rebellion, because they were getting defeated, they were getting killed by the Sipahis and other rebels. But now company decided to fight back and take its control back, right? So how it did it? So unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. Unnerved ka matlab hota hai ek tarike se ghabra jana, dar jana. तो जो अपहीवल हुआ था, जो रेबिलियन एक तरीके से स्टार्ट हुआ था, उससे जो कंपनी है वो थोड़ी सी घबरा गई थी, डर गई थी. अब डरने वाली बात तो थी ही कि जो सिपाही हैं, उन्होंने तो जो बहादुर शाह जफर हैं, उन्हें महाराजा घोषित कर दिया. उन्होंने तो बोल दिया कि अब से ये हमारे बादशाह हैं. अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रेबिलियन स्टार्ट कर रहे थे, वाइट्स को मार रहे थे. तो मतलब पूरा जो सिस्टम एक तरीके से हिल चुका था. तो जाहिर सी बात थी, अब तो ब्रिटिशर्स को डरना था ही. बट इतना सब होने के बाद ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि अब वो अपनी पूरी जान झोंक देंगे इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, उसको रोकने के लिए. इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द इंग्लैंड, पास्ड न्यू लॉज सो दैट रेबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज. सो व्हाट हैपेंड दैट मेनी ब्रिटिश सिपाहीज वर गेटिंग किल्ड बाय द रेबल्स. सो इट गॉट रीइंफोर्समेंट मींस इट गॉट मोर पीपल इनवाइटेड फ्रॉम द ब्रिट फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम देयर आर्मी इन इंडिया सो दैट दे कुड फाइट विद द रेबल्स, राइट. तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से बहुत सारे जो आर्मी के लोग हैं उन्हें एक तरीके से एक जो गुट होता है आर्मी का वो बुलवा लिया कि ठीक है यहाँ पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे रेबेलियन बहुत बड़ा रूप ले रहा है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं ये रेबल्स, तो हमें डर है कि हम लोग हार ना जाएं. तो इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इंग्लैंड से मंगा लिए रेबल्स से लड़ने के लिए. तो उसने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कंपनी है, उसने नए नए लॉज पास कर दिए ताकि जो रेबल्स हैं उन्हें आसानी से जेल में डाला जा सके. देखो स्टॉर्म सेंटर्स मतलब होता है वो वाले एरियाज जहां पे पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, या फिर जो प्रॉब्लम की जड़ है, जहां से पूरी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है. तो हमने अपने पिछले सेक्शंस में पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जो एक तरीके से स्टॉर्म सेंटर्स थे, वो कौन से थे. दिल्ली था कि जहां पे सारे सिपाही आके मिल रहे थे, कानपुर हो गया, मेरा बरेली हो गया. तो ये कुछ जगहें थी जहां पे जो सिपाही हैं वो एक साथ इकट्ठे हो रहे थे और रेबिलियन को एक बहुत ही बड़ा रूप दे रहे थे और डटकर सामना कर रहे थे. तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले तो बड़े बड़े कानून बनाए जिनसे कि आसानी से सिपाहियों को कन्विक्ट किया जा सके, उन्हें जेल में डाला जा सके. और उसके बाद वो इन स्टॉर्म सेंटर्स में, मतलब दिल्ली, कानपुर, इन इलाकों में वो घुस गए ताकि रेबल्स को थोड़ा रोक पाए और इस पूरे रेबिलियन को बंद करवा पाए. दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल्स फोर्सेस इन सेप्टेम्बर 1857. तो 1857 के सेप्टेम्बर में दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया गया, मतलब कि जैसे बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया गया था और सिपाही जो हैं अब एक तरीके से वहां पे कब्जा कर चुके थे. तो अब 1857 में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो बहादुर शाह जफर है उसे जेल में डाल दिया, उसे कैप्चर कर लिया और वापस से दिल्ली पर अपना राज स्थापित कर दिया. तो जो लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, उसको ट्राइड किया गया इन कोर्ट में. ट्राइड इन कोर्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि मुकदमा चलाया जाता है ना कोर्ट में, अदालत में. तो इस तरीके से उन पर ट्रायल चलाया गया, सेंटेंस टू लाइफ प्रिजनमेंट, और उसके बाद उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई. He and his wife Begum Zinat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. तो जो बहादुर शाह जफर थे और उनकी जो बेगम थी, उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल, उनको रंगून में जेल में भेजा गया. तो रंगून सुनने से ऐसा लगता है जैसे इंडिया की कोई जगह होगी, बट नहीं, रंगून जो है वो म्यांमार में एक सिटी है, ठीक है. तो वहां पे 1858 के अक्टूबर में बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ को जेल में भेजा गया. बहादुर शाह जफर जो हैं वो रंगून की जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई नवंबर 1862 में. द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रेबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट. तो जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा वापस से, तब उसका मतलब ये नहीं था कि हर जगह अपने आप ही रेबेलियन जो है वो शांत हो गया था, ऐसा नहीं था. हो सकता है दिल्ली में रेबेलियन जो है थोड़े शांत हो गए हो, बट बाकी एरियाज में अभी भी रेबल जो है वो चल रहा था, लोग वहां पे अभी भी विद्रोह कर रहे थे. पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश. लोग जो हैं दिल्ली को वापस से रिकैप्चर करने के बाद भी दूसरे एरियाज में
ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे, रेबिलियन कर रहे थे. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 ईयर्स टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रेबिलियन. तो इस पूरे इंसिडेंट के लगभग 2 साल तक ब्रिटिशर्स को लड़ना पड़ा, रेबिलियन के साथ लड़ना पड़ा, ताकि वो इस पूरे रेबिलियन को, पूरे विद्रोह को शांत कर सके. तो मतलब जो ये रेबिलियन है वो इतने बड़े लेवल पे हो रहा था कि ब्रिटिशर्स को पूरे 2 साल तक जद्दोजहद करनी पड़ी सबको शांत करने में. लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858. लखनऊ को वापस से, लखनऊ पे जो कब्जा किया था वो मार्च 1858 में कर लिया था ब्रिटिशर्स ने. रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उन्हें हरा दिया गया था 1858 में, और उस टाइम पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी. अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई. और इसी तरीके से जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई एक तरीके से शहीद हो गई थी, वैसे ही रानी अवंतीबाई भी शहीद हो गई थी. वो आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी चोज टू एम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड. तो रानी अवंतीबाई जो है उनकी शुरुआत में तो खेरी जो जगह है वहां पे वो जीत गई थी, वहां पे उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था. बट जब बाद में वो चारों तरफ से ब्रिटिशर्स द्वारा घेर ली जाती हैं, तब उन्होंने क्या सोचा कि मैं, मतलब वो होता है ना कि सर कटा लेंगे मगर सर झुका सकते नहीं, तो वो वाली बात है. जो रानी अवंतीबाई हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर होने के बजाय क्या चूज किया कि मैं खुद ही अपनी जान ले लेती हूँ. तो उन्होंने खुद ही जो है अपनी जान ले ली और वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं आई. ठीक है. तांतिया टोपे एस्केप्ड टू जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गोरिला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मेनी ट्राइबल्स एंड पेजेंट लीडर्स. तांतिया टोपे जो हैं वो जंगलों में चले गए थे, सेंट्रल इंडिया में बहुत घने घने जंगल हैं, तो वो वहां पे चले गए थे और उन्होंने वहां पे जो ट्राइबल्स हैं, जो हमारी जनजातियां हैं, उनके साथ और पेजेंट लीडर्स के साथ, जो किसानों की लीडर्स हैं, उनके साथ मिलके एक गोरिला वॉर जो है वो लड़ी ब्रिटिशर्स के साथ. गोरिला वॉर कैसी होती है, इसमें एक तरीके से ना यूं कहें छुप के ज्यादा हमला किया जाता है. इसमें ना यूं पता नहीं चलता, जैसे बहुत ही कम लोग हैं किसी आर्मी में, बहुत ही कम लोग हैं, तो वो एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ लड़ते हैं गुरिला वॉरफेयर को यूज करके. तो इससे क्या होता है कि इसमें एक तरीके से छुप छुप के लड़ाई लड़ी जाती है, जो सामने वाला है, जो एनिमी है, उसे पता नहीं चलता कि सामने कितने लोग लड़ रहे हैं. तो वो इस तरीके से अलग अलग टेक्टिक्स अपना कर लड़ाई लड़ते हैं. ही वॉज कैप्चर्ड ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859. तो जो तांतिया टोपे हैं उनको भी कैप्चर कर लिया गया था, उनको भी ब्रिटिशर्स ने बंदी बना लिया था और उनपे भी ट्रायल चला कोर्ट में, और उसके बाद उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया 1859 में. तो ब्रिटिशर्स जो हैं, जैसा कि हम पिछले सेक्शन में पढ़ रहे थे, हमें बहुत ही अच्छा लगा ये सुनने में कि हाँ हमारे जो लोग हैं वो आवाज उठा रहे थे, बट इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है कुर्बानी दी है. हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे फाइटर्स थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी. तो जिस फ्रीडम को आप अभी इंजॉय करते हो, जिस इंडिपेंडेंस डे को आप हो सकता है बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो उस चीज के पीछे आप समझ सकते हो कि कितने लोगों ने अपनी जान गवाई है. सो आई थिंक दैट शुड बी द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर अस, राइट, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गवाई है. और वही वो जो दिन है, वो जो इंडिपेंडेंस हमें मिली है, उसकी वजह से हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं. हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने धर्म फॉलो कर सकते हैं, रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी. हम मतलब बहुत ज्यादा फ्रीडम हमें मिली हुई है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दीज फ्रीडम फाइटर्स एंड द पीपल हु गेव देयर लाइफ फॉर आर फ्रीडम. जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज्ड रेबिलियन, द डिफीट ऑफ रेबिल फोर्सेस एनकरेज्ड डिजर्शंस. तो जिस तरीके से हमने देखा था कि धीरे धीरे जैसे रेबिलियन बढ़ने लगा और ब्रिटिशर्स जो है वो हारने लगे, तो और लोगों ने, और ज्यादा लोगों ने रेबिलियन को ज्वाइन कर लिया. तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के हारने की वजह से ज्यादा लोग रेबल कर रहे थे, वैसे ही जब रेबल फोर्सेस जो हैं वो एक तरीके से हारने लगी, जब रेबेलियन को सप्रेस करने लगे ब्रिटिशर्स, तो लोग थोड़े डर गए, तो लोगों ने डेजर्शन स्टार्ट कर दिया, मतलब लोगों ने रेबेलियन छोड़ना स्टार्ट भी कर दिया. द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल. तो लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने लोगों का विश्वास जीतने की भी कोशिश की कि वो वापस से लोगों का विश्वास जीत सके. अब कैसे विश्वास जीतने की कोशिश की, दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड. तो वो कहते हैं कि जो लॉयल लैंड होल्डर्स हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल हैं, उनके प्रति फेथफुल हैं, वो लोग अपने ट्रेडिशनल राइट्स, मतलब जिस तरीके के राइट उनके पास पहले थे अपनी जमीनों पर, उसको एंजॉय कर सकते हैं. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied.
तो ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि जिन लोगों ने रेबेलियन किया है, जिन लोगों ने विद्रोहों में हिस्सा लिया है, वो लोग अगर अपने आप को ब्रिटिशर्स के प्रति समर्पित कर देते हैं, अपने आप को सबमिट कर देते हैं, एक तरीके से ब्रिटिशर्स के आगे सर झुका लेते हैं, तो और उन लोगों ने किसी वाइट पीपल को मारा भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है कुछ भी नहीं किया जाएगा, वो सेफ रह सकते हैं और वो अपनी जो राइट्स हैं, अपने जो क्लेम है लैंड पर, वो कर सकते हैं। मतलब उनको उनके जमीनों के अधिकार भी दिए जाएंगे, उन पे कोई कब्जा नहीं किया जाएगा, बट उसके लिए वो ब्रिटिशर्स को सबमिट होने चाहिए, वो ब्रिटिशर्स के सामने घुटने टेक दें तो उनके जमीनों का जो अधिकार है वो उनको दिया जाएगा। Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs, and rajas were tried and hanged. अब भले ही कुछ भी हो, भले ही ब्रिटिशर्स जो है वो कितना ही विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हो लोगों का, बट उन्होंने बहुत सारे जो सिपाही हैं, बहुत सारे जो विद्रोही हैं, नवाब हैं, राजास हैं, उनकी जान ली थी, उनपे ट्रायल चलाए थे, उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट दी थी। मतलब कि वो कितना भी कोशिश कर लें अच्छा बनने की, कितने ही वो राइट्स दे दें, कितने भी छूट कर दें, मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि उनके राइट्स जो है उन्हें दे दिए जाएंगे, उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया जाएगा, जो लॉयल है लैंड होल्डर्स हैं उनको उनके ट्रेडिशनल राइट्स दिए जाएंगे, तो वो अब कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, हकीकत तो ये थी कि वो हमारे लोगों की जान ले रहे थे और हमारे लोगों के पर अत्याचार कर रहे थे।